मैं एडवोकेट श्वेता विजय इंग्रेज सरकार माई लाइफस्टाइल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं मेरा परिचय जरूर देना चाहूँगी। मेरा एजुकेशन है, मैं एमसीवीसी बैंकिंग बीकॉम डबल ग्रेजुएट बिजनेस लॉ टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस एमकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट जीडीसी एंड गवर्नमेंट डिप्लोमा इन सर्टिफाइड ऑडिटर एलएलबी एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एमए मराठी ट्रिपल ग्रेजुएट ट्रिपल मास्टर ग्रेजुएट इनकम टैक्स प्रैक्टिसनर अंडर सेक्शन 288 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रूल 55 ऑफ 1962 इंडिया लेवल पे 84 रैंकिंग पे हूँ। सेल्स टैक्स प्रैक्टिसनर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की मेंबर हूँ। ऑल इंडिया बार काउंसिल की मेंबर हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल की मेंबर हूँ। कवयित्री हूँ, लेखिका हूँ, पॉलिटिक्स में पिंपरी चिंचवड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ। मैं विजेता फाउंडेशन की महाराष्ट्र लेवल में संस्थापक अध्यक्ष और सीआर सामाजिक संगठन पिंपरी चिंचवड की महिला अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स लिए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं लास्ट 15 ईयर से एक्टिव इनकम यहाँ पे कमा रही हूँ। तो जब मैंने ये सब प्लान कुछ बोल दिया तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन किसको बता रहा है, मेरा एजुकेशन क्या है, सामने से बोलने वाले का एजुकेशन क्या है। एक्चुअल इनको सुनने के बाद मुझे लगा कि अरे हाँ, नहीं, कुछ तो पैसिव इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोच के यहाँ पे पैसिव इनकम का मैंने प्रॉपर स्टडी किया और यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने माई लाइफस्टाइल ही क्यों ज्वाइन किया और माई लाइफस्टाइल के साथ ही क्यों रहना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो माई लाइफस्टाइल है, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये इंडिया लेवल पे टॉप 10 में फर्स्ट है, यानी ऑल इंडिया में नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरी बात यह है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट में रजिस्टर कंपनी है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करती है, इसलिए आज इस कंपनी के साथ राशि, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना जैसी गवर्नमेंट की संस्थाएं जो है ये माई लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। और इम्पोर्टेंट ये बात है कि पिछली साल 2019 में इसको टाइम्स ग्रुप ने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से सम्मानित किया है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं ये कहूंगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता बाबा, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो हमें बेचने के लिए या देने के लिए लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट है। क्योंकि जब कोई इसको बेस्ट बोलता है तो सवाल ही नहीं उठता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी वजह से आज हमें जो सक्सेस मिल रहा है वो सक्सेस है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इज्जत, नाम, पैसा, शोहरत, पैसिव इनकम और फॉरेन ट्रिप, ये सब हम किस लिए करते हैं कि एजुकेशन इसलिए लेते हैं ना, ये सब कमाने के लिए। अगर बिना एजुकेशन ये सब कुछ मिल रहा है, अगर हमें कुछ हार्डवर्क करने के बाद इतना सब मिल रहा है और इसके साथ पैसिव इनकम और रिटायरमेंट मिल रही है तो क्यों ना करें। एक्चुअली ये बात यह है कि इतना सब कुछ पढ़ी लिखी होने के बाद मेरे प्रोफेशन में मैं रिटायरमेंट नहीं ले सकती, लेकिन सर्टन स्टेज के बाद मैं यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकती हूँ। ये मैंने ये यहाँ पे देख लिया, मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा, मुझे मनी फ्रीडम मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगा और इम्पोर्टेंट बात है कि सर्टन एज में जो रिटायरमेंट चाहिए वो मुझे मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, इसलिए मैं दिल लगा के यहाँ पे काम कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ।